Hello. Good morning, my dear students. How old are you? I hope you are fit and fine. Today, we are going to read our fifth lesson, The Happy Prince. What is the name of the lesson? The Happy Prince. ठीक है? और Oscar Pringles के द्वारा जो ये लिखा हुआ लेसन है, ठीक है? This is as such a quite interesting lesson. बहुत अच्छा लेसन है. और हम इस लेसन की समरी करेंगे. हम इसलिए समरी कर रहे हैं ताकि हर एक वीडियो के साथ जो है एक लेसन को क्या किया जा सके, फिनिश किया जा सके. और इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मेरे से डायरेक्टली ले सकता है. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? टिल देन वी विल कंटिन्यू आवर लेसन द हैप्पी प्रिंस. बहुत अच्छा लेसन अबाउट अ प्रिंस, ठीक है? ये प्रिंस था, राजकुमार था, ठीक है? और एक इसका स्टैचू जो है सिटी के अंदर लगा हुआ था. और ये क्या देखता है, जब इसका स्टैचू ऊपर था तो ये सारी सिटी में देखता है कि लोग जो है अलग अलग लोगों से क्या है दर्शित है, ठीक है? तो ऐसे में जो है ये सब लोगों को क्या करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था. और ये स्टैचू जो था बहुत अच्छा गोल्ड, ठीक है, डायमंड्स वगैरह सब कुछ इसके लगे हुए थे. तो वो जो है सब कुछ उनको देकर हेल्प करना चाहता था. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्या कि वो कहीं जा नहीं सकता था, दूसरों का बना हुआ था, ठीक है? तो इस एक दिन जो एक स्वेलो जो है उसको मिलती है, ठीक है, वो आराम कर रही थी. तब वो स्वेलो को कहता है कि कोई लड़का बीमार है, आप इसको ये नीलमणि दिलाइए, ठीक है, ताकि वो ठीक हो जाए. फिर किसी एक लड़की को जो है हेल्प करते हैं क्योंकि उसकी माचिस जो है गिर जाती है, मैच बॉक्स जो होते हैं और वो गीले हो जाते हैं, उसके पापा जो है पिटाई करेंगे इसकी, इसलिए जो वो गोल्ड दे के आते हैं. तो इस तरह से अलग अलग मदद करता है. और एक दिन जो है सब चीज़ें इसकी क्या हो जाती है, उस मदद में को लग जाती है और वो गंदा हो जाता है. और उस सर्दी के अंदर जो इस हैप्पीनेस के पाँव में जो बैठे थे, जो स्वेलो बैठे थे, वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है ठंड के अंदर. और उसके बाद ये हैप्पी प्रिंस गंदा दिखने लग जाता है और मेयर जो है इसका एक कुत्ता जो इसके जुटू के वहाँ देता है. और इस तरह दोनों जो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. तो ये लेसन जो है हमें चैरिटी के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताता है. इसके बारे में जो चैरिटी के जो काम होते हैं, ठीक, उसके बारे में बताता है. चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी समरी. क्या पढ़ते हैं? समरी, ठीक है, चलिए देखते हैं. द स्टोरी इज इट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, ठीक है. चैरिटी के लिए जो काम, दूसरों को मदद के लिए जो काम किए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं. वी लर्न दैट लव एंड सेक्रीफाइस कैन एंड्योर अस टू गॉड, ठीक है. हम विद्यम दैट, हमने क्या सीखा है कि प्यार जो होता है और बलिदान जो होता है वो हमें किससे मिलवाता है, भगवान से. द प्रिंस इन द स्टोरी इज नो लिविंग प्रिंस, जो इस कहानी के अंदर जो एक प्रिंस है ना बेटा, ये लिविंग प्रिंस है, ठीक है. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक स्टैचू है, ठीक है. ही इज द स्टैचू ऑफ अ डेड प्रिंस डेकोरेटेड विद गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है. वही ये जो जो है वो किसे डेकोरेट किया हुआ है, गोल्ड लीव्स से, पत्तों से और प्रीशियस स्टोन और बहुत महंगे स्टोन से. ही इज नोन एज द हैप्पी प्रिंस, और इसको हैप्पी प्रिंस बोला जाता है. किस नाम से जाना जाता है, हैप्पी प्रिंस से. क्यों? बिकॉज देयर इज अ स्माइल ऑन हिज लिप्स, क्योंकि इसके लिप्स पे जो है क्या है, स्माइल है, हंसी है. बट द स्माइल बेसिकली गिव्स वे टू टीयर्स, लेकिन जल्दी जो है वो हंसी जो है किसमें बदल गई, आंसू में बदल गई. किसमें बदल गई, आंसू में, ठीक है. द हैप्पी प्रिंस कैन नॉट हेल्प क्राइंग ओवर द सेल्स ऑफ द मिसरी इन द हाउसेस ऑफ द पुअर, ठीक है भाई. क्यों? क्योंकि ये प्रिंस जो था, जो लोग मुसीबत में थे, समस्या में थे, ठीक है, उनकी मदद नहीं कर सकता. He decided to help them with his gold leaves and costly stone. और उन लोगों को जो है स्टोन से, ठीक है, गोल्ड लीव से मदद करना चाहता था, ठीक है. A little sparrow who had flown in from Egypt, ठीक है, एक छोटा स्पैरो जो वहां जा रहा था
Egypt. Together. Break his flight and takes rest at the feet of the prince. अपनी flight को क्या करता है? रोकता है और rest करता है इस prince के feet में. ठीक है. This little bird acts as his messenger. ठीक है. और कुछ छोटा सा जो पक्षी होता है, little bird होता है, वो इसका एक संदेश वाहक का काम करता है. And he gives away all his wealth. सारी वेल्थ को सुलतान को जो बांट देता है. The swallow was on his way back to his homeland where the prince had intended him to help the poor. जब वो स्वेलो अपने घर जा रहा था तो उसको जो है गरीबों की मदद करने के लिए रोक लेता है. ठीक है. He still wished to go back but now he was too late. ठीक है. अब भी उसकी इच्छा थी वो वापस जाए लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था. The intense cold killed वो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड ने जो उसको क्या कर दिया, मार दिया उसको स्वेलो. ठीक है. दस द लिटिल स्वेलो लॉस्ट हिज लाइफ बाय हेल्पिंग द पुअर. इस तरह से जो लिटिल स्वेलो जो है बेचारा गरीबों की मदद करता हुआ मर जाता है. दिस डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट. उसकी डेथ से जो है प्रिंस का जो हार्ट था शीशे का बना हुआ वो क्या हो जाता है, टूट जाता है. दस द Swallow and the prince perish for a noble cause. और इस तरह से दोनों जो हैं किसी अच्छे कार्य के लिए क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, perish हो गए थे. ठीक है. But their death was not the end. लेकिन एक मृत्यु जो है कोई अंत नहीं थी. It made them immortal. ठीक है. उस चीज ने जो उनको क्या बना दिया था, immortal बना दिया था. ठीक है. अनस्वर बना दिया था. That is why. इसीलिए the angels lifted the dead swallow and the lifeless heart of the prince. जब भगवान जो है फरिश्ता भेजता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज लानी है तो वो फरिश्ता जो है प्रिंस का हार्ट, टूटा हुआ हार्ट और वो स्वेलो को लेके जाता है. ठीक है. वो ही सबसे शानदार चीज थी इस हार्ट पे. द स्टोरी टीचर्स वर वेरी यूजफुल एंड ट्रू लेसन. और हमें बहुत ही सच्चा और एक अच्छा लेसन पढ़ाती है. We learn that आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी.